जलील कमीनी आवारा औरत। जलील और कमीने तुम हो, बल्कि ये अल्फाज भी बहुत कम है तुम्हारे लिए। ना तुम अच्छे बाप बन सके, ना अच्छे बेटे और ना अच्छे इंसान। अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी है ना, तो जाओ किसी चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तुम एक घटिया इंसान हो, खुदा के अजाब से डरो। तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया में होगा। तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया में होगा। ये तो कुछ भी नहीं है शाबेश। तभी तो तुमने बहुत कुछ सहना है। जैसे मैंने सहा, मेरी बेटी जीते जाते मेरी आंखों के सामने मर गई। मैं कुछ नहीं कर सका, होना ही ऐसा था। और उस गुनाह के पीछे छुपी थी लालच, और तेरी वजह से थी। सोच, तेरे साथ क्या होगा। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, सुना था? आज देख भी लिया है, अपने हिसाब के लिए तैयार हो जा शावेस। मैंने दिया है ये छोड़ के मत जा मेरा। ये सब मुझे डरा रहे हैं, विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। मुझे डरा रहे यासिया, कुल तुमकी आफरी, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं काशिप, काशिप छोड़ के मत जाना, काशिप मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा। काशिप, काशिप मुझे छोड़ के मत जाना, काशिप मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता, छोड़ के मत जा। पागल है, खुदा के अज़ाब से डरो। तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया में। जी जुनैद भाई, बस इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सकी। अगले हफ्ते से आऊंगी, वो
अम्मा और भाभी जरा संभल जाए ना। चले ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आप ही आप कब आई? सभी अभी आई। सर जुनैद से बात कर रही थी? हाँ, वो 3 हफ्ते से ऑफिस ही नहीं गई। हादसा ही बहुत बड़ा था, हम सबको संभलने में वक्त लगा है। ठीक कह रही हैं आप। रशीद भाई साथ हैं आपके? हाँ, अब्बा के पास बैठे। चलो मैं चाय बना। नहीं नहीं चाय की जरूरत नहीं है, तुम बैठो मेरे पास। कुछ नहीं होता, 2 मिनट में बन जाएगी, बनाती हूँ। मैंने कहा ना चाय की जरूरत नहीं है। फिर मुझे बताओ क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अच्छी तरह जानती हो तुम किस बारे में बात कर रही हूँ मैं। आप, ये कोई मौका नहीं है इस वक्त सारी बातें करने का। और वैसे भी मैं शजा और नोमी को पालूंगी, मुझे उनके एजुकेशन वगैरह देखनी है। क्या जरूरत है आपकी ये सब करने की? शहला और अजहर ने दोनों की जिम्मेदारी ली है, चची चचा है वो, उनका हक ज्यादा बनता है। आप जानती नहीं है शहला को किस तरह की है। वो बदल गई है आपकी, बच्चों से बहुत प्यार करने लगी है। और वैसे भी महरूम और जरूरतमंद इंसान फिराक दिल हो जाता है। बस जुनैद भाई से बात करो, वो अपने साले के लिए चाह रहे थे ना। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपी ऐसे कैसे ठीक हो तुम? क्यों, अपनों के बीच में रहती हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। कोई कमी नहीं है तुम में, मुकम्मल हो। लेकिन अगर औरत की जिंदगी में मोहब्बत करने वाला मर्द ना हो, उसकी सारी खुशियाँ सारी चाहतें नामुकम्मल रहती हैं। आप ही प्लीज़ मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको पीनी हो तो मुझे बता दें।